ही एक धर्म का नाम लेकर अगर किसी धर्म के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा होता है, यकीन और यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये हिंदू है नहीं, ये हिंदुओं में भी नाजायज औलाद है, तब जाकर ये ऐसी परवरिश है। क्योंकि हिंदू ऐसे नहीं होते। हमने जो हिंदू देखा है वो महात्मा गांधी जैसा हिंदू देखा है, हमने जो हिंदू देखा है वो सुभाष चंद्र बोस जैसा हिंदू देखा है, हमने जो हिंदू देखा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हिंदू देखा है। महाराष्ट्र मध्ये राणेच्या दीड दीड फुटाची पोरं हाताने जर मोजलं तर दीड फुटापेक्षा ज्यांची उंची जास्त नाही असे कोंबडी चोर धार्मिक तुफळी निर्माण करण्यासाठी मुसलमानांच्या धर्मस्थळांना, मुसलमानांच्या लोकांना आणि मुसलमानांच्या प्रथेला जाणीवपूर्वक नाव ठेवण्याचं ते काम करतात। कभी कभी सोशल मीडिया पर देखते हैं हम इस देश में मुसलमान ना होते और पाकिस्तान पड़ोस में ना होता तो शायद यहाँ के जो धर्म का धंधा करते वो आज भिखारी रहते। गुलमाओं के कहने के ऊपर अगर बीजेपी के 31 खासदार अगर हार सकते हैं तो मैं उलमाओं के कदमों के पास बैठकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक अपील कर दीजिए और ऐसी अपील पूरे महाराष्ट्र के अंदर उलमाओं ने करना है कि जो मोहम्मद पैगंबर बिल मंजूर करेगा मुसलमान उसको वोट करेगा। रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर वादग्रस्त टिप्पणी की गई, जिसके बाद महाराष्ट्र के हर छोटे बड़े शहर में और गांव में मुस्लिम समुदाय की ओर से रामगिरी महाराज पर कड़क कार्रवाई की मांग को लेकर जगह जगह आंदोलन और मोर्चे निकाले जा रहे हैं। जहां रामगिरी महाराज द्वारा वादग्रस्त टिप्पणी का निषेध करना था, वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रामगिरी महाराज का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मुस्लिम समाज शिंदे सरकार का भी निषेध करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते आज दिनांक 23 अगस्त शुक्रवार को बीड जिले के अंबाजोगाई शहर में समस्त मुस्लिम समुदाय की ओर से उपविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने एक दिन का धरना आंदोलन किया गया। रामगिरी महाराज पर कड़क कार्रवाई की जाए और मोहम्मद पैगंबर बिल को महाराष्ट्र हुकूमत पास करे और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के हेतु एट्रोसिटी जैसा एक हिफाजती कानून भी बनाया जाए, इस तरह की मांग प्रशासन से की गई। अगर वो गलत बात करता है उसका मैं यहाँ पर जाहिर निषेध करता हूँ। आज हमें जरूरत है भाईचारे की। हमारे सामने के मसले बहुत अलग है। आज हमारे पास बेरोजगारी है, हमारे पास एजुकेशन का मसला है, हमारे पास हेल्थ का मसला है, पर हमारे देश में एक अलग तरीके से जात जात में झगड़ा लगाने का, कुश्तों भी करके अपना राजनीति चलाने का इस तरीके का जो काम हो रहा है, तो उसका यहाँ पे हम सब लोग जाहिर निषेध करते हैं। क्योंकि आज एक समाज के कोई भी समाज की भावना को दुखाने का, उसको तकलीफ देने की जो साजिश चल रही है, तो उसके खिलाफ हम सब लोगों को पूरा एकजुट से खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसे ताकतों को रोकना पड़ेगा। और एक भाईचारे से आज हमारे देश में सभी जात धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और वो आगे भी अमन और शांति के साथ रहे, और इसके साथ ही देश की तरक्की हो सकती है। नहीं तो हम लोग अलग तरीके से, जहाँ की पाकिस्तान में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, आज हालात बहुत अलग है, वहाँ के बहुत अलग अलग मसाइल है, वहाँ के खाने पीने के बारे में के होंगे और भी कोई भी बातें होगी वो अलग है। तो इसलिए आज मैं इस मंच से इतना ही बोलूंगा कि ऐसे जो लोग बेताल वर्तन कर रहे उनके बारे में कोई कार्रवाई सरकार करे और इस ऐसे लोगों को वहाँ पे पाबंदी लगाए, इनका हम जाहिर निषेध करते। सिर्फ इस्लाम एक सलामती का मजहब है, इस्लाम सलामती से है, लिहाजा हम यहाँ पर इंतशार, यहाँ पर समाज में बिगाड़ या और कोई यहाँ का माहौल खराब करने का काम हम नहीं करना चाहते। बार बार यहाँ पर हमारे वो वकील साहब और दूसरे लोग बोल रहे हैं कि वो भोंदू बाबा, अरे जो बाबा होगा या महाराज होगा, जो धर्म का ज्ञान रखता होगा, वो किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत अल्फाज नहीं कहेगा। उसको पहले बाबा बोलना या महाराज बोलना बंद करो। वो जाहिल आदमी है, वो किसी धर्म का ज्ञान नहीं रखता, वो सिर्फ आग लगाने के लिए आया है। उसको भेजा गया है कि तू आग लगा, ताकि ये जो समाज एक होकर लोकसभा में जो इन्होंने अपनी कुव्वत का मुजाहिरा किया, वो कुव्वत दब जाए और आपस में बढ़ जाए। ये काम पहले अंग्रेजों ने किया, अब ये काम यहाँ के चंद शरीर लोग
जो नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहें, उनका काम है ये, और उसका प्यादा है वो जिसने ये काम को अंजाम दिया। लिहाजा हम इनको उनको बुरा बोलने से ज्यादा हम ये, और ये बार बार कहते हैं कि महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, ये इस किस्म की संस्कृति नहीं है, तो ये संस्कृति कहां से महाराष्ट्र में आई, किसने दी? मैं मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूं शिंदे कि आपको ये संस्कृति किसने दी कि एक धर्म का जो अनादर कर रहा है, एक पैगंबर के बारे में गलत बोल रहा है, आप उसकी पाठराग कर रहे हैं? ये संस्कृति आपको आपके माँ बाप ने दी, किसने दी, कहां से लाए आपने? पता चलता है कि सियासत के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो ये ना हो। और हमारे भी लोग, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एम्बुलेंस आई, हम खड़े हो गए। हमारे इस्लाम ने यही सिखाया हमें कि जहां पर भी किसी को तकलीफ हो तो पहले दो कदम पीछे हट के उसकी तकलीफ को दूर करो। ये काम तो हम कर रहे हैं कि तुम जो है अगर बाज नहीं आए तो याद रखें, मोमिन के लिए सबसे बढ़कर सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उससे बढ़कर उससे पहले हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद हमारा ये ईमान है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और हुजूर की अगर इज्जत पे बात आई तो अब तक हम खामोश बैठे थे, मगर इसके बाद जो है हम खामोश नहीं बैठने वाले। महाराष्ट्र सरकार जो है इस पे एक्शन ले और जो है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस पाखंडी को जो है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि जो है कभी कोई पाखंडी उठ के जो है ऐसी हरकत ना करे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसे नाजेबा अल्फाज नहीं बोले जो मोमिनों के दिलों को चुभते हो। ऐसे अल्फाज अगर बोलेंगे तो फिर हम खामोश नहीं बैठने वाले। अब तक हम खामोश हैं, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हमारी खामोशी को हमारी बुजदिली ना समझा जाए। हम खामोश हैं तो इसलिए है क्योंकि हम जो है संविधान की इज्जत करते हैं और इस मुल्क के कानून की हम इज्जत करते हैं, इसलिए हम खामोश हैं। वरना हमारे शजरे उठा के देखो, हमारे शजरे करबला से मिलते हैं, हमारे शजरे बदर से मिलते हैं, हमारे शजरे उठा के देखो, मुसलमानों की तारीख उठा के देखो, हमारी तारीख हमारे असलाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से हमारी तारीख मिलती है, तारीख बिन ज़ियाद से हमारी तारीख मिलती है।